Hi friends, what's up? Welcome to Engineer This. मैं विक्रम और मेरा दोस्त प्रतीक अभी तक आया नहीं. लेट कमर. देखा मेरे पास वॉच है ही नहीं, फिर भी मैं टाइम पे आया. और मेरा दोस्त टाइम पे आता नहीं है, उसके बाद मुझे आइडिया पूछता है, उसके बाद इंस्पिरेशन पूछता है, उसके बाद एंड ही सच ए नाइस गाय. बताए यार साइकिलिंग करके आया एंड कहां कहां से आई स्टोरीज. ओ प्रतीक, हाउ आर यू? सुन लिया सब? मैंने सब सुन लिया. क्या? हाँ. तेरे बारे में बोल रहा था. अच्छा, सुना. हाँ. सुना. हाय फ्रेंड्स, विक्रम. हाँ. I'm inspired today. मैं इंस्पिरेशन देते रहता हूँ तुझे. मेरे शक्ल देख के इधर का इंस्पिरेशन मिल गया ना. आई ना स्टोरी सुनाओ. ओके बोलो. पता है देशपांडे अंकल अपने? हाँ. सोसाइटी वाले? हाँ, जो बैंक मैनेजर है अभी रिटायर हो गया वही. हाँ. तो देशपांडे अंकल आफ्टर रिटायरमेंट पता है रोज शाम को जाते हैं स्लम्स. ओ ये स्लम्स जाते हैं और उनको देख के यार यू हैड टू सी इट. इतने सारे बच्चे दूर दूर से भाग के आ रहे हैं. हाँ? और एक झुंड बन जाता है आसपास. क्यों, फ्री में लोन दे रहे क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज. क्या फ्रेंड्स, देशपांडे अंकल स्लम के बच्चों को एजुकेशन यानी कि पढ़ाते हैं रोज शाम को. ओ नाइस यार. एंड सच अ सिंपल गाय. वो वहाँ स्लम्स में जगह तो है नहीं. हाँ. गंदगी भी होती थोड़ी. तो देशपांडे अंकल एक प्लैंक रखते हैं. हाँ. उसके ऊपर बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं और उनको पढ़ाते हैं. सच अ सिंपल गाय. अंकल जिस प्लाईवुड के ऊपर बैठते हैं ना, उसी प्लाईवुड के साथ हम एक चेयर बनाएंगे. ओके. सिंगल प्लाईवुड से, वो भी फोल्ड करके. आई थिंक इस बात पे फ्रेंड्स, इस बात पे एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी. यस yes. है ना. लेट्स गो टू द स्केच बोर्ड. फ्रेंड्स, ये प्लाईवुड चेयर डिजाइन करने से पहले फोल्डिंग चेयर को समझ लेते हैं. ठीक है. और ये बैक रेस्ट से ही कनेक्टेड है ये फ्रंट टू लेग्स. है ना, हमारा चेयर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट बनेगा. तो ये फोल्ड होगा तो कैसा दिखेगा? ये बैक रेस्ट ऊपर और सीट ऐसा फोल्ड हो जाएगा सब. तो जो प्लैंक एंगल के पास उसका प्रोपोर्शन है कुछ ऐसा. अभी हम इसके अंदर एक लाइन बनाएंगे और वो लाइन जहां पे वहां पे हम कट करेंगे. ओके. ठीक है, मैं ये डिजाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं. तो इसमें आएगा एक और कट. अभी हम यहां पे एक हिंज. फ्रेंड्स पता है ना, हिंज मतलब डोर का एंड में होता है, वो डोर को फोल्ड करने के लिए और बंद करने के लिए हिंज होता है ना. वही हिंज यूज करेंगे हम. यहां पे एक और यहां पे एक, यहां पे एक और यहां पे एक. अब मैं प्लैंक को यहां पे पकड़ूंगा और ये जो भी कट किया था ना उसके ऐसा पुश करूंगा. समझ गया मैं. फ्रेंड्स बना के दिखाऊं आपको? हाँ हाँ बना. ये है एक प्लेन. हाँ. यानी कि प्लाई का पीस, दूर से प्लाई का पीस ही लग रहा है. यस. लेकिन अगर इसको खोला तो दिखेगा कुछ ऐसा. जो हिंज यहां पर है. हाँ. वो ऊपर आ जाएगी कुछ ऐसे. हाँ. मतलब कि सीट आएगी यहां पर ऐसे. वाह ब्रिलियंट. वाह यार, है ना. अभी ये जो हिंज है ना वो यहां पे आके ऐसे यहां पे टच हो जाएगा. तो इसमें छोटा सा एडिशन, इतना दो कट्स करेंगे, इससे क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स निकाल देंगे. देखा, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया एग्जैक्टली ये सीट का विड्थ के हिसाब से. तो क्या होगा, जब ये सीट ऊपर आएगा ये साइड भी यहां पे लॉक हो जाएगा. मतलब ये जो हाइट है. हाँ. दिस इज द सेम एज प्लाईवुड का थिकनेस. एग्जैक्टली. ओके. तो मतलब ये कुछ यहां पर ऐसे इसकी थिकनेस को ऐसे अकोमोडेट करेगा. हाँ, टिकले ड्रॉ कर लेना. परफेक्ट. विक्रम, इफ आई मे सजेस्ट, एक छोटा सा एडिशन. कौन सा है? ये जो चेयर है. हाँ. इसका हमें वेट रिड्यूस करना चाहिए. हाँ. और ये वाला जो पार्ट है. हाँ. वो बैकरेस्ट नहीं है, वो स्टैंड का पार्ट है. एग्जैक्टली. सो वी डोंट नीड दिस एक्स्ट्रा पीस ओवर हियर. हाँ. तो हम काम करेंगे, यहां से हम एक विंडो काट लेंगे तो ये विजुअली भी लाइट लगेगा और फंक्शनली भी लाइट होगा. नाइस आइडिया. अब है टाइम नामकरण का. हाँ. क्या नाम दें इसको? प्लाईवुड चेयर. यूनी चेयर? नहीं, प्लेनर चेयर. प्लेनर चेयर. नाइस ना, बिकॉज ये सिंगल प्लेन में है. या चलो लेट्स इंजीनियर दिस.
सो ये है प्लाईवुड का पीस जो हमारे पास गोडाउन में पड़ा था. तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे. हाँ, 50 सेंटीमीटर बाय 90. जो हमने रिंग्स बनाया था ना, जैसा स्केचबोर्ड में दिखाया, वो रिंग्स मतलब उसका एक थिकनेस काटना पड़ेगा, वही बन जाएगा लेग्स. और रिंग का थिकनेस 5 सेंटीमीटर हो सकता है. तो फिर हम इसके ऊपर ड्राइंग नहीं बनाएंगे, हम ना एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं. ओके. तो देखते हैं वो कैसा पूरा फिक्सिंग बनेगा और उसके साथ पूरा खड़ा करके देखते हैं, अगर वो काम करेगा तो इसके ऊपर हम ड्राइंग बना लेते हैं. गुड आइडिया. अच्छा, हम ये मॉडल सनबोर्ड के ऊपर बनाएंगे. सनबोर्ड? हाँ, दैट्स अ गुड मटेरियल. तू जाके ले आ. ओके, ठीक है. हमारे पास ये थिकनेस का है, तो हम ये पूरा ड्राइंग आधा स्केल का बनाएंगे. अब हमने थिकनेस डिसाइड की थी 5 सेंटीमीटर इन द रियल मॉडल, मतलब फुल स्केल. यस. सो उसको हाफ करेंगे 2.5. अभी हम सेकेंड रिंग भी ड्रॉ करेंगे. विक्रम, हाँ, ये जो बनेगा यहाँ पर थोड़े कर्व्स ऐड करते हैं ना यार. नाइस. है ना? हाँ. ठीक है, अब ये बन जाएगा सीट, क्योंकि yes. ये ऐसा खुलेगा ना, तो उसका फोल्डिंग टेक्निक देख लेते हैं. तो हम ये मिड पॉइंट है, तो ये 22.5, मतलब ये रियल स्केल में 45. ओके. जो हम बैठेगा वो चेयर के ऊपर, वो 45 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, आइडियल हाइट है ना. तो ये इसको फोल्ड करेंगे ऐसा. ओके. ये बन जाएगा 45. right. तो मुझे हिंज यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक. अभी सेम हम इस तरफ भी ड्रॉ करेंगे. ओके. ठीक है, मैं फटाफट ड्रॉ कर लेता हूं. अभी मैं ये कुछ लाइंस को इरेज कर लेता हूं जहां पे कट की जरूरी नहीं है. ओके. ठीक है, हिंज लगेगी थोड़ा ऊपर. तो हिंज हमने पीछे इसलिए किए सेंटर से, बिकॉज बेस जाएगा ऐसे पीछे, सो जो इफेक्टिव बेस एरिया मिलेगा दैट विल बी लेस देन दिस. एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली द हाफ ऑफ इट. हाँ, तो एक और हिंज आएगा यहाँ पे. डन. यस, काट लिया अब इसे. हाँ, और काटने के लिए हम यूज करेंगे कटर. एंड कटर यूज करते टाइम फ्रेंड्स बी वेरी केयरफुल, बड़ों के साथ होना जरूरी है. Done? Yes. देखा, सारे पीसेस ऐसा आ जाएगा. है ना? अभी इसको टेप लगाते हम. पहले ये पीछे ऐसा खुलेगा. ये हिंज के वजह से ये ऐसा खड़ा रहेगा. ये ऐसा आएगा और ये एग्जैक्टली ये कट्स के बीच में ऐसा बैठ जाएगा. सुपर्ब. नाइस ना? कितना सुंदर लग रहा है यार ये. हाँ यार, का चेयर. मुझे इसके ऊपर बैठने के लिए मन कर रहा है. नहीं, okay, ये लाइट वेट है, फ्रेजाइल है. एग्जैक्टली सनबोर्ड का है. हाँ. वैसे विक्रम तुझे पता है, हाँ, एक चेयर है दुनिया में, हाँ, जिसका वेट है 5.5 टन्स. 5.5 टन्स? ये क्या पत्थर से बनाए? क्या पत्थर से? नहीं, लकड़ी से बनाए. लकड़ी से? लगभग 2 हाथी के बराबर वेट होगा इसका. 1 हाथी होगा 3 टन्स ना? 3 to 4 टन्स. ओके, माय गॉड, हाथी से भी ज्यादा वजन. नाइस यार, कहाँ पे है विक्रम? हाँ, इतना जीनियस होने के बावजूद भी, हाँ, तू समझ नहीं पाया ये बात. हाँ, कि आंसर मिलेगा ब्रेक के बाद. वेलकम बैक.
अब ये जो स्केल मॉडल बनाया था ना, अभी इसका फुल स्केल वाला ड्रॉइंग हम ये प्लाईवुड के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? हेलो, हाँ, मेरा सवाल तो पूछ ले। नहीं पूछना यार, तू खुद बता दे, मैं थक गया हूँ पूछ पूछ के। ओके, ब्रेक में जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि दुनिया का एक बहुत भारी चेयर, वुडन चेयर जो 5.5 टन का है, वो कहाँ है? हाँ, एंड द आंसर इज ये है चेयर जिनीवा में। जिनीवा में? यस। ओके, एंड द हाइट ऑफ दिस चेयर इज अराउंड 40 feet, यानी कि 12 meters। 40 feet, 4 floor के बराबर। कैन यू इमेजिन, सच अ बिग चेयर यार। एंड इट्स कॉल्ड द ब्रोकन चेयर। ब्रोकन चेयर क्यों? क्योंकि इसकी एक टांग टूटी हुई है। इतना वजन है तो टूटेगा इतना टांग? अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स गॉट अ रीजन बिहाइंड इट। ओके, तो ब्रोकन चेयर इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट सिंबलाइजेस पीस एंड इट्स अ स्टेटमेंट अगेंस्ट बॉम्बिंग एंड वॉर। ओ, बहुत डेप्थ है यार इसमें। डेप्थ तो है। चलो अब ये चेयर कंप्लीट करेंगे। अभी सिमिलर ड्रॉइंग हम ये प्लाईवुड के ऊपर भी ड्रॉ करेंगे, है ना? ये देखा, ये है इसका हाफ। अभी ये 2.5 मतलब 5 सेंटीमीटर। हाँ, इसके हिसाब से पूरा ड्रॉइंग बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ पर स्लॉट काटने के लिए बनाए हुए हैं, यहाँ पर एक्चुअली लगेगी वुडन पट्टी, मतलब एक लकड़ी का पीस, या बीडिंग पट्टी भी बोलते हैं उसको। यस, हाँ, बीडिंग पट्टी इसलिए बिकॉज ये जो प्लाईवुड का आप देख रहे हैं साइड, यहाँ पर प्लाईवुड के मल्टीपल लेयर्स लगे हुए हैं एक के ऊपर एक, तो जब इसमें स्क्रू करेंगे तो स्क्रू स्लिप हो सकता है। हाँ, बीडिंग पट्टी लगाने से वो स्लिप नहीं होगा। हाँ, तो ये सारे ब्लैक लाइंस है ना, उसको हमने ये सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर कैसा कट कर लिया ना कटर से, बट ये तो कटर से नहीं कट सकता, तो इसके लिए यूज करेंगे जिग्सॉ मशीन। मैं दिखाता हूं। यस फ्रेंड्स, ये है जिग्सॉ मशीन, ठीक है? और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला टूथ वाला, वो जिग्सॉ ब्लेड है। ये जो ब्लेड है ऊपर नीचे से जाता है, जस्ट लाइक ए सॉ। तो देखा, यहाँ पे एक बेस भी है, ये आराम से इसके ऊपर रख सकते हैं और ऐसा काट सकते हैं। लेकिन विक्रम, हाँ, आई थिंक ये काम We should leave it to the professionals. Exactly. ये काम थोड़ा dangerous है, इसलिए हम भी नहीं करेंगे, हम जाएंगे किसके पास? RMJ, यानी कि राम मिलन जी। हाँ, और फ्रेंड्स, आपको एक दो फैक्ट्स बताते हैं RMJ के बारे में। यस, ऐसा सुना गया है सम से जब वो रात को खर्राटे मारते हैं तो ड्रिल मशीन की आवाज आती है। बाकी फैक्ट्स इसको कटवाने के बाद मिलते हैं। चलो चलो फटाफट अभी आते हैं फ्रेंड्स। टटडा, बन गया पार्ट्स, फटाफट काट लिया ना? यस yes. ये हो गया आउटर रिंग, ये इनर रिंग, और ये सीट, और ये राम मिलन जी ने हमें दे दी बीडिंग पट्टी। हाँ, इसको हम पहले चिपका लेते हैं बीडिंग पट्टी को। परफेक्ट। अभी इसके ऊपर हिंज को फिक्स करके स्क्रू उसके ऊपर फिक्स करना है, तो मैं ड्रिल मशीन लेके आता हूं उसके लिए। ओके, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, ड्रिल करते वक्त प्लीज बी केयरफुल, बड़ों का साथ रहना जरूरी है, ठीक है? अब इसके हिसाब से यहां पर मार्किंग। हाँ, ये लो, इस पे भी ड्रिल कर लेना, मैं उसको अटैच कर देता हूं। Nice. सारे इंजेस तैयार। हाँ, ये बन गया प्लेनर चेयर। फ्रेंड्स, देखा हिंजेस ये सीट के लिए पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बड़ा वाला पीस खुलेगा कुछ ऐसे। हाँ,
लेकिन ये जो पीस है जो बनेगा सीट का बेस वो आएगा कुछ ऐसे. परफेक्ट. नाइस चेयर यार. वो लवली. विक्रम पेंट तो बनता है इस पे. हाँ यार स्प्रे पेंट टाइम. यस स्प्रे पेंट करते टाइम सेफ्टी गियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी मास्क एंड सेफ्टी ग्लासेस. और जिनके पास सेफ्टी गियर नहीं है वो स्प्रे पेंट से थोड़ा दूर रहेंगे. फ्रेंड्स चेयर इज रेडी. चेयर नहीं प्लेनर चेयर. यस प्लेनर चेयर. ये एक सिंपल सा प्लेन है उसमें से खुल जाएगी और बन जाएगी एक चेयर. सो लेट्स शो यू द चेयर. ओह लवली. नाइस यार कैसा लगा मेरा आइडिया. बहुत सुंदर. मस्त है ना. प्रतीक बैठना यार. नाइस नाइस ना. अब इस पे देशपांडे अंकल बोलेंगे बैठ के. नाइस फ्रेंड्स देखा मस्त है ना प्लेनर चेयर. आप एक प्लाईवुड उठा लो और उसको ड्राइंग करो और काट लो और बना लो एक प्लेनर चेयर.